कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं जिसको देख डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, जिसका नज़ारा इस समय चल रही नवरात्रि में देखने को खूब मिल रहा है। उपवास के नाम पर खाना पानी तो छोड़ ही देते हैं, साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक जगह पर दिन रात 9 दिन तक लेटे रहना और नित्य क्रिया तक छोड़ देना। उनके अनुसार ये तैयारी वो नवरात्रि आने के हफ्तों पहले शुरू कर देते हैं, मतलब खाना ही नहीं खाते। ऐसे में खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पेश है खबर लहरिया की ये खास रिपोर्ट। कब से अपने शरीर पे जवारा रख रहे हैं? ईसा रखवा 13 रखवाए थे, हमें सपनों दे के अपने ऊपर जवारा रखवा पे हमने बहुत परेशान कर। हमने ये बार 13 रखवाए थे, 5 साल नहीं रखवा, पूरी साल हमारा दिमाग कहाँ रह गया। रोटी नहीं खान दे, दिमाग भमा दे, तो पागल से बने रहा। पहले से क्या क्या किया है, खान पीन का कैसे किया है? 8 दिन पहले से एक एक रोटी मेरा दिन है, 3 दिन से फिर कुछ नहीं खाओ। बीबी की 3 दिन पहले से नहीं खाओ कुछ नहीं। तो आपका शरीर में, आपके स्वास्थ्य में कोई कमजोरी नहीं आएगी? कुछ नहीं। आजकल के दौर में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं वो है हमारा स्वास्थ्य। जबकि स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आप अंदर से ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते और ना ही किसी काम में ज़्यादा देर तक ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन अंधविश्वास की आड़ में महिलाएँ किस तरह अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हैं ये आपके सामने है। ये मैं नहीं बल्कि डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा करने से महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्रत को भूख हड़ताल की तरह करना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें शरीर को ना मिलने पर पानी की कमी, पोषण की कमी होने से परेशानियाँ सामने आने लगती हैं। नतीजन जल्दी ही शरीर लाचार और बीमार लगने लगता है। ऐसे व्रत करने पर फायदा कम, नुकसान ज्यादा होने की आशंका रहती है। की पत्नी है तो आपको नहीं लग रहा है कि उनके सेहत में, उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ लगता तो है। मान लो 9 दिन जियो, 15 दिन तो खाना खाते ही नहीं है बिल्कुल, नहीं कोई गई नहीं। जब हमारी माता से बात है, जिस दिन के नहीं जाएंगे उस दिन ना दे देंगे। जैसे इस समय महिलाएं बदेदी चल रही हैं, किसी ने 9 दिन खाना नहीं खाया तो किसी ने 15 दिन से खाना छोड़ दिया है, उनके स्वास्थ्य के लिए किस तरह का हानिकारक है, क्या है? ये सब चीजें तो अंधविश्वास वाला काम कर रहे हैं ना ये लोग, अंधविश्वास है। ठीक है ना, भगवान कभी नहीं कहता है कि तुम भूखे रहो, तुम खाली पेट रहो, कभी नहीं भगवान ये कहता है। जी, वो कहने आया है कि तुम भूखे पेट रहो, तुम खाली पेट रहो। ठीक है, ये तुम्हारे मन के अंदर इतनी शक्ति है, तुम्हारे मन के अंदर तो तुम मानो भगवान को, लेकिन भूखे प्यासे रहकर ये भगवान कहता नहीं। वो तो उनकी अपनी अंतरात्मा कहती है चलो मैं भूखे रहना प्यास रहना तो वो रह लेती है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कभी कभी इससे औरतों को काफी जोखिम उठाना सकता है, जान से भी बहुत परेशानी हो जाती है। ठीक है, अस्पतालों तक में भर्ती कराना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है। कुछ औरतें जो एकदम न्यूली रहती हैं, उन्हें नहीं झेल पाई तो अस्पतालों में आके बोतलें जलवा नहीं पाती हैं। एकदम से इंटेस्टाइन में ज्यादा स्वेलिंग, ज्यादा सूजन आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती, कईयों बार देखा गया ऐसा। अभी एक खिरिया कला की महिला है, उन्होंने अपने शरीर में जवारा बोआए हैं और मतलब नदेवियन के 8 दिन पहले से खाना पानी छोड़ दिया था और अभी नदेवी चल रही हैं और नदेवी में भी 9 दिन वो कुछ भी पानी, केवल 2 चम्मच बताया जा रहा है कि पानी पी रही है। तो फिर आपने क्या सलाह देती हैं ऐसी महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं का आप देखती हैं, महिला डॉक्टर भी हैं?
ये तुम भूखे अपने शरीर को कष्ट दे रही है, ये भगवान नहीं कहता, ये तो अब अंधविश्वास रह गया। अब आजकल के जमाने में इतना ज्यादा अंधविश्वास सही नहीं है, नहीं रखेंगे तब भी उन्हें समस्याएं आएंगी, समस्या नहीं होगी तो जीवन चलेगा कैसे, समस्या तो हर कंडीशन पे आती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।